सैटेलाइट इमेज की एक नई तस्वीर आई है जिसमें भारत और चीन के बीच ताजा तनाव है और चीन की सेना जोड़ी के सबूत मिले हैं। मई और जून महीने में ली गई इस इमेज में दिखाया गया है कि कैसे गलवान के वाई पॉइंट पर अपनी सीमा में भारत के निर्माण के बाद चीन भी अपनी सीमा में निर्माण का काम शुरू कर देता है। मई नदी पर एक पुल दिखाई देता है जो अगले महीने नहीं दिखता है। जून में दोनों देशों के अपने अपने सीमा क्षेत्र में दीवार बनकर तैयार दिखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन अकराम, गोलवान वादी बड़े फौजी कैंप में तब्दील कर दी गई। दिफाई तजियाकारों के मुताबिक चीन यहां से अगले अहदाफ को निशाना बनाने का प्लान कर रहा है। पेंगोंग झील के बाद बॉटल नेक में भी भारी तादाद में चीनी फौज तैनात। भारतीय वजीर दिफा का एतराफ कि ऑनलाइन पोल में भारतीय शहरियों ने मोदी को चीन के मुकाबले में कमज़ोर करार दे दिया है। जनूबी एशिया में नई सियासी सफबंदी का आगाज हो गया। दो नए ब्लॉक वाजे हो गए, एक चीन और पाकिस्तान का, जबकि दूसरे ब्लॉक में भारत और अमेरिका शामिल हैं। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि हालिया कशीदगी के दौरान अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से सालाना रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उसने अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ सरगर्म दहशतगर्दों और मुंबई हमलों के जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। नाज़रीन अकराम, भारतीय दिफाई तजिया निगार अजय शुक्ला ने सामाजिक राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि गोलवान वादी में बहुत बड़ा फौजी कैंप नज़र आ रहा है जो LAC पर भारत की तरफ 1.5 किलोमीटर अंदर कायम किया गया है। चीन इस कैंप को बड़े बेस में तब्दील कर चुका है। यहाँ पर कसरत से फौज की तैनाती ये बताती है कि चीन मजीद अगले ठिकानों को हदफ बनाने का सोच रहा है। साबिक भारतीय सफारतकार और लद्दाख के मामलात के माहिर ने बताया कि ये तामीरात परेशान कुन हैं। दूसरी जानिब पेंगोंग झील के बाद बॉटल नेक में भी बड़ी तादाद में चीनी फौज तैनात कर दी गई है। सफारती सतह पर जारी मुजाकरात के बावजूद चीन भारत कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। भारत ने भी यहाँ अपनी फौज तैनात करने का ऐलान किया है। चीन ने फौजी गाड़ियों के साथ साथ भारी जंगी सामान भी पहुँचाया है। बॉटल नेक के इलाके में जिस जगह पर चीनी फौज मौजूद है वो भारतीय हदूद में 18 किलोमीटर अंदर है। साबिक भारतीय वजीर दिफा ने एतराफ़ किया है कि ऑनलाइन पोल में भारतीय शहरियों ने मोदी को चीन के मुकाबले में कमज़ोर करार दे दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक तस्वीर में जो चीनी तामीराती सरगर्मियां दिखाई गई हैं उनमें कैमोफ्लाज खेमे या चट्टान की बेस पर ढांपे हुए स्ट्रक्चर और थोड़ी ही दूर मुमकिना नए कैंप्स की दीवारें या बंकर्स हैं। इन हालात में दोनों ममालिक के दरमियान जंग के खतरात भी मंडलाने लगे हैं। नाज़रीन अकराम, ख्याल रहे कि डिप सिंह के इलाके में बड़ी तादाद में चीनी फौजियों के जमा होने की इत्तलाआत हैं। भारतीय ज़राए अबलाग में इस हवाले से मुतअद्दिद खबरें शाये हुई हैं जिनमें दावा किया गया है कि दौलत बेग ओल्डी में भारतीय फिजाइया की एक बेस से सिर्फ 30 किलोमीटर के फासले पर डिप सिंह में चीन ने बड़ी तादाद में फौजें तैनात की हैं। नाज़रीन अकराम, चीन और इंडिया में एटमी हथियार पहले इस्तेमाल न करने का मुआहदा कई सालों से मौजूद है। दोनों में से कोई भी दूसरे मुल्क पर एटमी हमले की पहल नहीं कर सकता। अमेरिका की एक साबका रिपोर्ट के मुताबिक 14,930 जौहरी हथियार दुनिया भर में मौजूद हैं जिनमें 9400 एटमी हथियार नसब शुदा हैं जो फैसला होने के चंद मिनट के अंदर चलाए जा सकते हैं। अमेरिका, रूस, बरतानिया और फ्रांस में 1800 जौहरी हथियार हर वक्त अलर्ट रहते हैं लेकिन इन 1800 में से आज तक कोई एक भी चलाया नहीं जा सका। कुछ गैर मुसद्दका आदाद व शुमार के मुताबिक चीन के पास 270, पाकिस्तान के पास 120 से 130 तक और इंडिया के पास 110 से 120 तक एटमी हथियार मौजूद हैं। अब मुल्कों की बका मईशत पर है और मईशत का दारोमदार पैदावार और तिजारत पर होता है। नाज़रीन अकराम, हिंदुस्तान के सरहदी ममालिक में चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान शामिल हैं। इन तमाम ममालिक में चीन के अलावा और कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मसनूआत बनाता हो। ना ही इन मुल्कों की इतनी ज़री पैदावार है कि हिंदुस्तान की 1 अरब से ज़ायद इंसानी आबादी की खुराक की ज़रूरियात पूरी कर सके। अपनी खुराक की ज़रूरियात में हिंदुस्तान खुद कफील है लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए वो चीन का मोहताज है।
हिंदुस्तान के ताजर का 80% इन्हिसार चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मसनूआत पर है। गो हालिया कशीदगी के दौरान हिंदुस्तानी बाज तबकों की तरफ से चीनी मसनूआत के बाइकॉट की मुहिम दिखाई दे रही है। अलबत्ता इस जज्बाती मुहिम साजी से चीन को कोई तिजारती खसारा हो या ना हो, लेकिन हिंदुस्तानी छोटे बड़े हर ताजर की मईशत ज़रूर खतरे में चली जाएगी। यही वजह है कि हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से ऐसी किसी हिमाकत खेज मुहिम की कोई हौसला अफजाई नहीं दिखाई देती, क्योंकि चीन की मईशत पर तब ही फ़र्क पड़ सकता है जब उसका इन्हिसार भी हिंदुस्तानी मसनूआत पर हो और वो उसे मयसर न रहें। ज़मीनी हकायक ये हैं कि भारत बज़ाहिर आईटी में बहुत आगे है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कसरत से इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फ़ोन चीन के बने हुए इस्तेमाल होते हैं, और चीन के अकेले अलीबाबा ग्रुप की भारत में पे एटीएम और बिल बास्केट में 801 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी मौजूद है। मोबाइल इंडस्ट्री इस वक्त मुल्कों की तिजारती मईशत में रीढ़ की हड्डी बन चुकी है, क्योंकि दुनिया भर में इसके सार्फीन की तादाद सबसे ज़्यादा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान का दुनिया भर में इंसानी और ज़री अद्वियात में 20% शेयर है, लेकिन चीन में भारत की कोई भी अद्वियात दरामद नहीं हो रही। चीन और इंडिया का ये तिजारती अदम तवाज़ुन कई दहाइयों से मौजूद है, जो चीन को मुस्तहकम और भारत को कमज़ोर करता है। भारत हर सूरत में मजबूर है कि वो अपनी रोज़मर्रा की इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मसनूआत चीन से ख़रीदे, जो उसके अपने मुल्क में इतनी सस्ती तैयार नहीं हो रही। वो ये मसनूआत जापान, ताइवान या अमेरिका से लेने की हिमाकत कर ही नहीं सकता, क्योंकि इन ममालिक की ये मसनूआत एक तो चीन के मुकाबले में महंगी हैं और भारत तक आते आते उनके सफरी अखराजात कई गुना बढ़ जाएंगे, जिनकी कुव्वत ख़रीद हिंदुस्तानी अवाम के बस का काम नहीं। यही वजह है कि चीनी कौम इस वक्त दूसरी बड़ी मुआशी सुपर पावर के तौर पर सामने आ रही है। चीन की इतनी मजबूत मईशत के बायस उनकी घर घर में लगी इंडस्ट्री है। दूसरी जानिब भारत और चीन के दरमियान लद्दाख के मामले पर कशीदगी और झड़पों के बाद जनूबी एशिया में नई सियासी सफबंदी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बाज़ तजज़ियाकारों का ख्याल है कि अमरीका चीन के साथ तनाज़ा पर भारत की भरपूर हिमायत कर रहा है, जबकि पाकिस्तान और चीन इस मामले में इकट्ठे हैं। अमरीकी हुकाम ने खित्ते में कशीदगी का जिम्मेदार चीन को ठहराते हुए कहा है कि भारत समेत मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलिपाइन जैसे मुल्कों को चीन से ख़तरा है। माइक पोम्पियो ने चंद रोज़ कबल एक बयान में कहा था कि इन खतरात के पेश नज़र अमरीका अपनी अफवाज की आलमी तैनाती का जायज़ा ले रहा है। वो यूरोप में अपनी फ़ौज कम करके उन्हें दूसरे मकाम पर तैनात करेगा, ताकि दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सके। जब माइक पोम्पियो से पूछा गया कि अमेरिका जर्मनी में अपनी अफवाज क्यों कम कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि वहां से फौजियों को हटाकर दीगर मकामात पर तैनात किया जाएगा। उनके बकौल चीन की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया के लिए ख़तरा है। अमेरिकी वजारत खारजा के इस बयान के बाद जनूबी एशिया में दो नए ब्लॉक बनने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, एक चीन और पाकिस्तान, जबकि दूसरा भारत और अमरीका। एक वक्त था जब जनूबी एशिया के दो अहम ममालिक भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग कैंपों के रुकन माने जाते थे। भारत सोवियत यूनियन, जो मौजूदा रूस है, उसके साथ था, तो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता आलमी हालात में तब्दीली के साथ साथ कई हलीफ हरीफ और कई हरीफ हलीफ बन गए। सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद रफ्ता रफ्ता भारत अमेरिका के करीब हो गया, और अब दोनों के दरमियान स्ट्रेटजिक तावुन भी बढ़ चुका है। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में भारत और अमेरिका के दरमियान होने वाले जौहरी तावुन के मुआहदे के साथ स्ट्रेटजिक और वसी तर ताल्लुकात के क्याम की जो बुनियाद रखी गई थी, वो नरेंद्र मोदी के दौर में काफ़ी मजबूत हुई है। भारत के साबिक सफारतकार और तजियाकार राजीव डोगरा कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान इत्तेहाद का कायम होना तो समझ में आता है, लेकिन भारत का मामला दूसरा है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1947 से ही भारत हर मामले में एक आज़ादाना मौक़िफ रखता आया है, और वो अब भी उसी पर कायम है। वो किसी मुल्क के साथ कोई ऐसा इत्तेहाद कायम करेगा कि वो कैंप की शक्ल ले ले, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। तहम उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हालात में अमेरिका का झुकाव भारत के मौक़िफ की जानिब है,
इसमें किसी को कोई शक नहीं है। उनके बकौल सदर ट्रंप भी भारत चीन कशीदगी के सिलसिले में भारत की हिमायत में बयान दे चुके हैं। इसी दौरान दहशतगर्दी के मामले पर अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जो सालाना रिपोर्ट जारी की गई है उसमें पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उसने अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ सरगर्म दहशतगर्दों और मुंबई हमलों के जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट पर मायूसी का इजहार किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के रिश्ते काफ़ी गहरे होते जा रहे हैं। चीन ने मुतअद्दिद मौके पर और आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का साथ दिया है, खा वो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का मामला हो या जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर का मामला हो। आलमी हालात पर गहरी नज़र रखने वाले मुंबई के एक सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हसन कमाल इससे मुत्तफिक नहीं हैं कि जनूबी एशिया में दो कैंप बन रहे हैं। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए अफगानिस्तान के हवाले से कहा कि अमेरिका जनूबी एशिया से निकल चुका है, अब वो यहाँ दोबारा नहीं आएगा। उन्होंने माइक पोम्पियो के बयान के हवाले से कहा कि दरअसल अमेरिका जर्मनी से अपनी फौज को निकालना चाहता है, इसलिए उसने इस किस्म का बयान दिया है। हसन कमाल कहते हैं कि सदर ट्रंप भारत और चीन के दरमियान मुफाहमत कराने की बात करते हैं लेकिन चीन के इकदाम की खुलकर मजम्मत नहीं करते। उनके बकौल अमेरिका की जानिब से बयानबाजी होती रहती है। सदर ट्रंप कभी कोई बयान देते हैं तो कभी कोई, लेकिन एक और तजियाकार ए यू आसिफ किसी हद तक जनूबी एशिया में दो ब्लॉक बनने की बात करते हैं, लेकिन उनके बकौल अमेरिका की हमेशा से अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी रही है, लिहाजा अमेरिका अपने मफादात को सामने रखेगा और उनके मुताबिक ही इकदाम करेगा।